जी हाँ, आज मैं भवाना के जे कॉलोनी के अंदर में हूँ और यहाँ पर अभी जो बीते जो शनिवार गया है उस रात के अंदर में यहाँ पर मोबाइल की छीना छपटी को लेकर के एक जो है वो मर्डर हो जाता है। जो पीड़ित व्यक्ति हैं, मैं उनके इस समय घर पे हूँ, उनके फैमिली के लोग हमारे साथ में हैं और जिसकी मृत्यु होती है उसका नाम सलमान होता है। ये अपने काम पे से जब वहाँ से लौटते हैं या किसी वजह से जब रास्ते में जब उनसे मोबाइल से लेकर के जब रिलेटिव छीना छपटी जब बात होती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब इस चीज़ का विरोध किया तो उसके बाद में यहाँ पर जो है मारापीटी और हाथापाई होने के बाद में बात जो है वो हत्या तक यानी कि मर्डर तक पहुँच चुकी है। हमारे साथ में कुछ घर के लोग हैं जो उनके फैमिली के हैं, उनके वाइफ हैं और उनकी सिस्टर वगैरह हैं। इन लोगों से हम लोग बात करते हैं और आखिर में ये मामला पूरा क्या था इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोग गली देख रहे होंगे इस गली के अंदर में इन लोगों की शिकायत है कि कहीं ना कहीं से जो है वो यहाँ पर लड़के आकर के इस गली के अंदर में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको बोलने के बाद में वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती जो है वो हटते नहीं हैं और कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर में पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर के शासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर के जो है इनके मन में कहीं ना कहीं शंका जाहिर हो रही है। पूरे दिल्ली के अंदर में देखा जाए तो क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्राइम को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें तो दिल्ली के अंदर में नहीं कुछ तो 60% से ऊपर जो है वो मर्डर के मामले जो हैं वो लगातार हर महीने बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ इनके फैमिली के जो लोग हैं हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या बात हुई थी और किस वजह से हुआ था। क्या नाम है आपका? शिल्पी। क्या लगते हैं आप सलमान के भाई? बड़ी बहन। बड़ी बहन, आप ये बताइए कि क्या मामला हुआ था, क्या कुछ वजह पता लगी क्या? मोबाइल के लिए एक लड़का आए थे यहाँ पर घूमने, हमारे घर में फैमिली मेंबर है, घूमने आए थे और हमें बोल के गए कि शिल्पी हम जा रहे हैं, टाइम हो गया। उसकी मम्मी का फ़ोन आया था, उसकी मम्मी का फ़ोन आते बात करते हुए निकले तो उसकी फ़ोन छीनने लगा वो तीनों लड़का। अच्छा। छीनने लगा, इतने में मेरा भाई बोलने पर मेरा भाई को तीनों लोगों ने चाकू मार दिया। अच्छा जी। तो मतलब ये पहले की कोई रंजिश वगैरह थी या मतलब एक ही साथ में मतलब जो हुआ वो फोन की जो छीना झपटी के बाद? सारे कुछ भी नहीं था, सब साथ में थे सब। अच्छा, सब साथ में थे जी। आप कौन है? भाई। आप उनकी वाइफ है उनकी। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, आप ये बताइए कि क्या मतलब कुछ वजह पता लगी या कुछ और पहले का कोई मामला, जो कि मान लीजिए तो सिस्टर इनको नहीं पता लगा होगा लेकिन आपको कुछ बताया उन्होंने पहले का कोई मामला? नहीं बताया कुछ भी। ऐसा कोई मामला मतलब नहीं था? छीन कोई दुश्मनी? कुछ दुश्मनी नहीं था, पहले कोई भी कारण नहीं था और बगैर कारण। क्या क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से, क्या मांग करना चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, जो मेरे भाई को मारा हम लोग साथ बहन हम करेंगे क्या? भाई अकेला कमाने वाला था, हमारा कोई नहीं है, मम्मी पापा गांव में है। ये आप देख सकते हैं, सात बहनें हैं, अकेला भाई था पूरे घर की फैमिली को चलाने के लिए। कौन से थाने में आपका ये केस गया है? बोरगढ़ थाने में। बोरगढ़ थाने में कहाँ कहाँ पड़ता है ये? इसी बवाना में ही पड़ता है, नरेला इलाके में, नरेला साइड में जी। तो मतलब यहाँ पे जब पुलिस आई तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? नहीं, अभी तो कुछ बोला नहीं है। बोलने लगे कि जहाँ मर्डर हुआ है तो बोलने लगे कि अब दो लोग पकड़े गए हैं, एक फरार है। अच्छा। राजेश। तो जो फरार है उसका क्या नाम है? राजेश। और जो पकड़े गए उनका? शुभम मंगल। शुभम और मंगल, ये क्या इसी आसपास के इलाके के ही हैं? जी हाँ, इसी ब्लॉक के हैं। अच्छा, आप क्या बता रहे थे आंटी जी, बताइए। अब क्या बतावे, वही है, यहाँ अपराधी बहुत हो रहे, कोई शासन का गो नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई यहाँ रोखा बांधी नहीं है। अच्छा। कोई लड़की जाती है उसको छेड़ते हैं। अच्छा। और कोई वैसे 2000 रुपए लेके अगर रोड से यहाँ जाता है तो उसकी छीना झपटी करके उसको मर्डर कर दे। कोई मतवल यहाँ कोई शासन ऐसा टाइट नहीं है जो कि कोई उसको रोक सके। अच्छा। वो टाइट शासन नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो कोई ना ज्यादा बोल दे तो उसके ऊपर चाकू छुरी चल जाती है। अच्छा। मगर वो शासन नहीं है कि हाँ दो बात बर्दाश्त करके कोई चला जाए, वो शासन नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ में कुछ पड़ोसी हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं उसको भी मारपीट कर देते हैं। अच्छा। पुलिस वाला ऐसे दो आ जाए, एक आ जाए, उसको भी मारपीट करके सब छीन लेते हैं। अच्छा। हाँ, दो एक आध बार हल्सा हुआ है सौपटा पे। अच्छा। पुलिस वाला कोई पुलिस वाला आता, जैसे कि कोई एक पुलिस वाला दो पुलिस वाला आए ऐसे मामला में तो उनको ईटा पत्थर और चल जाते। अच्छा। हाँ,
ये भी मतलब पुलिस वालों के ऊपर में भी ईटा, हाँ पुलिस वालों के ऊपर भी ईटा पत्थर होते हैं। दिल्ली पुलिस के ऊपर में अगर इस तरीके से अगर पत्थरों से वार करा दिया जाता है तो आखिर में दिल्ली पुलिस कहाँ तक नाकाम है, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइए कि दिल्ली पुलिस की जो इस तरीके से इनकी जो काम है और इनके ऊपर में खुद कहीं ना कहीं जो है वो वार हो जाते हैं, तो आखिर में दिल्ली पुलिस के ऊपर में जब वार होते हैं तो आम जनता कहाँ तक सुरक्षित होगी, आप ये देख सकते हैं। हमारे साथ में और भी कुछ महिलाएँ हैं और चाचा जी हमारे साथ में, एक बार चाचा जी आप बोलेंगे क्या? चाचा जी आपको ये पता है कि आपको जो ये सलमान के साथ में जो हुआ है? नहीं हमको पता नहीं है जी। आपको पता नहीं है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। माता जी आप बताइए क्या बोल रहे थे? लाते का मौत हो गया, चाकू मार दिया, घिसट के वहाँ से नीचे फेंक के खम्बा का पास घिसट के इसको फेंक दिया, देख के तीन चाकू मार, इसी गली में ही मार दिया। यहाँ एक चाकू तो यहाँ लगा, एक चाकू यहाँ लगा, तीन चाकू लगा। मैं सोच रहा कि चलो पत्थर से और सिर फूटा हुआ, तो पत्थर से सिर नहीं फूटा था, चाकू लगा हुआ था। मेरी लड़की का साथ लड़की है, कमाने वाला कोई नहीं है, मेरा दामाद भी नहीं कमा सकता है, तो कैसा इसका इंसाफ चाहिए मेरे को। आप बोलिए बोलिए क्या 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 धमकी दिया? मेरे को ही धमकी दिया कि तुम्हें भी चाकू मार दूंगा पुलिस चौकी में। पुलिस वाला कह रहा कहाँ बोला है, बोला ही नहीं है। अच्छा पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं बोला, नहीं बोला है। सलमान को चाकू मारा तो कह रहे तेरे को ही मारूंगा अब। अच्छा वो लड़का, आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग इसके ऊपर में आवाज उठाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग जागरूक रहे। बताइए भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बोलिए। चाकू मारने वालों के पास भाई स्टॉक होता है, गलत कामों का पैसा होता है, गरीबों के पास कहाँ से होगा, पैसा देके छूट जाते हैं। अच्छा। आजकल तुम्हें पता ही है क्या होता है, सब कुछ होता है, पैसे देने पे अच्छे अच्छे से मर्डर वाले छूट जाते हैं। मतलब ये बात जो है इनके बिल्कुल जायज है, आखिर में सरकार क्यों नहीं कदम उठाती इस तरफ? क्या पैसा ही सब कुछ रह गया, किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? किसी की जिंदगी की कोई कीमत, ऐसे ही सब कुछ रह गया है। क्या क्या कहेंगे, सही कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहे हैं, और क्या सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही है। हमारे भी लड़के को अभी ईद में मेरे भाई को भी चाकू मारा गया है। ईद में मेरे भाई को चाकू लगी थी, तब भी पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा, हमसे बोला कि केस कोर्ट में डाल दिया है। और आज तक का 6 महीने होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। चाकू मार, लड़के नाबालिग थे या बालिग? बालिग है लड़का, बालिग है, कुछ नहीं हुआ उनका, कुछ नहीं हुआ। और लड़का सामने आके खड़ा रहता हमारे, और हाँ वो ये चाहता है कि हम कुछ बोले तो फिर लड़ाई हो। अच्छा एक दिन के यह कई बार का हादसा हो गया, लड़ाई का मारपीट का, कितना इन लोगों ने आम चीज समझ लिया, चाकू जरी जरी सी बातों में चाकू चोरी निकाल के मारते हैं। उसके मम्मी पापा वो धमकी दे रहे हैं कि केस वापस ले लो, पैसे ले लो हमारे पास ने, तो हम लोग धमकी दे रहे कि सबको मरवा देंगे घर में। अच्छा। जितनी भी वरना केस वापस ले लो भाई, या तो पैसे ले लो, ऐसे बोले कि हम अमीर इंसान, मेरा भाई क्या वापस आ जाएगा? हम लोग कितना किराए के मकान में रह रहे, हमारा कोई भी नहीं है देखने वाला, कौन है धमकी देता है मारने का? हम लोग को निकलना भारी पड़ रहा, हम लोग रास्ता में चलते हैं, हमारे साथ कुछ हो गया तो कौन देखने वाला है? उसकी माँ कह रही है प्लॉट बेच के छुड़ा लूंगी अपने बेटे को। अच्छा हाँ, मम्मी कह रही है प्लॉट बेच के हम लोग अपने बेटे को छुड़वा लेंगे, जितना भी पैसा लगना है लगाएंगे, उसकी मम्मी कह रही है। अच्छा जी, यही बात है, आप गलत बात है, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। ये चाकू मारने वालों को बिल्कुल भी पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे, पैसा ले ले रहे हैं, पैसा खा ले रहे हैं, और चाकू मारने वालों को पुलिस वाले छोड़ छोड़ दे रहे हैं। ऐसे हमारे लड़के के साथ में भी ऐसे हादसा हुआ। दिल्ली सरकार तो लगातार वादे कर रही है कि हम लोगों ने क्षेत्र के अंदर में पुलिस से लेकर के और आगे शासन और प्रशासन जो है वो बहुत अच्छा कर दिया और महिलाएं सुरक्षित हैं आज, लेकिन नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है, ये गली में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। कहाँ कहाँ से लड़के आते हैं, इतनी बदतमीजी से गाली गुफ्तारी करेंगे कि सुन सुन के दिमाग खराब हो जाता है, इतनी बदतमीजी। मैं इस गली में बैठ नहीं सकता, कोई लेडीज इस गली में निकल नहीं सकती, आ नहीं सकती। अगर आने जाने में ऐसे गंदी गंदी कमेंट करते हैं, सारे लड़के यहाँ बैठे रहते हैं, और कहते तो लड़ाइयाँ हो जाती है इस बात में। हमारे से कितने बार हुई है इसी बात पे लड़ाई करके, मेरे भाई को चाकू मार दिया था, बदतमीजी गालियां देंगे। ये आप लोगों ने पूरी बात को सुनी, उनके परिजन और उनके जो गली के लोग जो थे, मोहल्ले के जो लोग थे, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात करी, और आप लोगों को ये भी पता लग चुका होगा कि आखिर में दिल्ली के हालात किस तरीके से हैं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए,
और इनको न्याय मिल सके। इनके न्याय मिलने के लिए आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि इधर बहन है, 7 बहनें हैं और इनकी मिसिज है, उनके बच्चे भी होंगे और कहीं ना कहीं जो है इस पूरे परिवार को जो है कहीं ना कहीं कानून से जो है मांग यही है कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता त्राही त्राही है शासन और प्रशासन से। मैं अपने वीडियो के माध्यम के द्वारा हमेशा यही मांग करता रहा हूं ताकि लोगों को न्याय मिल सके और जल्द से जल्द इस न्याय की प्रक्रिया को तेज़ी करने की ज़रूरत है। तभी हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे तो तमाम क्षेत्र के लोग हैं, जनता है दिल्ली की, वो कहीं ना कहीं सेफ हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।